हाय एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनम चौधरी और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टाइल विद मिसेस गोहित पर। मैं आपके सामने इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूं कुछ कॉटन कुर्ती आइडियाज़, कुछ कॉटन कुर्ती डिज़ाइनिंग आइडियाज़। जो आप फैब्रिक ख़रीदते हैं तो आपको डिज़ाइनिंग के लिए कुछ आइडियाज़ चाहिए, बेसिकली स्टिचिंग आइडियाज़ चाहिए, तो वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, देखिए आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, कौन सा आप अपने कुर्ते में बनवाना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, हमारे डिज़ाइंस की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारा पहला कुर्ता डिज़ाइन, ये देखिए। ये कॉटन का कुर्ता है, ग्रीन बॉटल ग्रीन बेस है एंड येलो कलर की प्रिंट है। इसकी नेक लाइन बोट नेक है एंड ये इसके फ्रंट में डिज़ाइन आया है येलो कलर से। सेम डिज़ाइन इसकी स्लीव्स पे भी है। हेमलाइन बिल्कुल स्ट्रेट हेमलाइन कुर्ता है और हेमलाइन एकदम प्लेन है। ये है दूसरा कुर्ता और ये आपका साउथ कॉटन में बनाया हुआ है, साउथ कॉटन में है, समर एप्रोप्रिएट कुर्ता है। बोट नेक में कॉलर दी गई है, फॉल्स कॉलर है एंड देन इसके बाद इसकी नेकलाइन में छोटा सा वी है। नीचे बटन पट्टी मरून कलर की दी गई है जो इसके मैचिंग में है। ऊपर में सेल्फ की बटन पट्टी है, उस पर ये बटन्स यूज़ किए गए हैं। रनिंग पट्टी है जो नीचे तक आ रही है और नीचे में स्लिट ओपन है। और इसका जो एक पार्ट है वो दूसरे वाले पार्ट से थोड़ा सा छोटा है, इस तरीके से। स्ट्रेट हेमलाइन है, स्ट्रेट हेमलाइन है और यहाँ पर ये डिटेलिंग दी गई है। टाई बेल्ट दी गई है एक चाक में जो बटन पट्टी से और चाक तक आती है और ये ऐसे फॉल्स में यहाँ पर टाई हो जाएगी। 2.5 मीटर में रेडी किया गया कुर्ता है ये, समर के अप्रोप्रिएट है। बहुत अच्छा डिज़ाइन है, बहुत एलिगेंट और सोबर डिज़ाइन है। स्लीव्स प्लेन रखी गई हैं, स्लीव्स की लेंथ है अप्रॉक्सीमेट 9 जो मिड एल्बो तक आएगी। सॉरी मैं इसका लुकबुक नहीं दिखा सकती हूँ गाइस, क्योंकि ये मेरे कुर्ते नहीं हैं, ये मेरे क्लाइंट के हैं। सो आप ऐसे डिज़ाइन देख सकते हो। ये सारे डिज़ाइन मेरे बुटीक में ही रेडी किए गए हैं। आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये डिज़ाइन ऐसे रेडी करवा सकते हो। हाई एंड लो है ये, एक तरफ से वन साइड हाई एंड लो है, वन साइड प्रॉपरली सेम है। ये थर्ड डिज़ाइन है, ये अजरक प्रिंट में कॉटन फैब्रिक के ऊपर बनाया हुआ कुर्ता है। इसमें डिफरेंट कलर के फैब्रिक से इसमें डिटेलिंग दी गई है। बोट नेक है, छोटा सा वी ओपन है एंड आफ्टर दैट इसमें रनिंग बॉल्स हैं डिफरेंट फैब्रिक की। उसी फैब्रिक से ये बॉर्डर लगाया गया है जो एक योक क्रिएट कर रहा है। स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी दो पट्टियां दी गई हैं एक एक इंच की। 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया गया है। हेमलाइन पे नीचे फेसिंग दी गई है सेम प्रिंट की जिसका बॉर्डर दिया गया है। बहुत डिसेंट और एलिगेंट ड्रेस है।
सोबर सा डिज़ाइन है ये, ऑफिस वेयर और डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा है। ये फोर्थ डिज़ाइन है, ये भी 2.5 मीटर फैब्रिक में बनाया हुआ है और ये सॉलिड कुर्ता है। इसमें ये टेक्सचर्ड फैब्रिक है, अगर आप देख पा रहे हो, इसमें इस कलर की भी वीविंग है और ये पर्पल कलर का है। इसमें इस टाइप का डिज़ाइन दिया गया है, नेक लाइन पे बोटनेक है। इसमें ऑक्सीडाइज्ड बटन यूज़ किए गए हैं, नेकलाइन इस तरीके की है। इसकी स्लीव्स पे भी सेम डिज़ाइन दिया गया है, ये देखिए बहुत प्यारा लगता है ये डिज़ाइन, बहुत एलिगेंट है। आप किसी भी प्लेन कुर्ते पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत उभर के आएगा प्लेन कुर्ते पे अगर बनाएंगे, प्लेन किसी भी सॉलिड कलर के कुर्ते पे, किसी भी डिफरेंट दूसरे कलर को यूज़ करके ये सेम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल और एक स्मार्ट लुक दे दे रहा है ये। स्ट्रेट हेमलाइन है, स्ट्रेट हेमलाइन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इस तरीके से अपना कुर्ता क्रिएट कर सकते हैं। ये फिफ्थ डिज़ाइन है, 2.5 मीटर कट में बनाया गया कुर्ता है। नेकलाइन एकदम सिंपल रखा गया है, सेम फैब्रिक यूज़ किया गया है डिज़ाइनिंग में, कोई डिफरेंट फैब्रिक यूज़ नहीं किया गया, साउथ कॉटन फैब्रिक है। स्लीव्स पे ज़रा सा कट लिया हुआ है, नॉर्मल डेली वेयर में सिंपल डिज़ाइन है, स्ट्रेट कट कुर्ता है। आई होप आपको सारे डिज़ाइन्स अच्छे लगे होंगे। जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे वो कोई भी क्वेश्चन आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो कुछ भी ये इस तरीके के इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे न्यू वीडियोस का, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहती हूँ, और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और कोरोना से बच कर रहिए। बाय।